बेस्ट पार्ट मोमा टेडेक्स चंडीगढ़ में लोग मुझे देख सकते मैं उनको देख ही नहीं सकता वाय दे कॉल्ट में है वाई मतलब टेडेक्स का मतलब पता है ना मोमा मोनिशा भाभी जो सोसाइटी में बात करती है ना उसी का इंटरनेशनल वर्जन है ना इट्स नॉट मिडिल क्लास बकवास इट्स अपर क्लास क्या डैड क्या पूछ रहे हैं मुझसे कि मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे जितने लोग आए हैं सबको पता है ना आई एम अ प्रोफाउंड पोएट राइट तो मैं पोएम सुना क्या आप लोगों का okay. सीधे सीधे चलो क्योंकि टेढ़े मेढ़े हैं रास्ते जस्ट कीप कॉइट एंड डोन्ट टॉक ये क्या

पंद्रह साल से यही कह 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 कह। इट्स बीन ओवर सिक्सटीन ईयर्स विद कैरेक्टर और सोलह साल से ऐसा लगता है कि एक ही शरीर में दो आत्मा अब बसते हैं मतलब मैं एक अकेला इंसान हूं पूरे विश्व में जो ये गर्व के साथ कह सकता है कि आदमी होने के बाद भी मैंने किसी को जन्म दिया सबसे अच्छा कर्म किया <laughs> इनफेक्ट लोग uh, आज मेरे ख्याल से पंद्रह साल से इसको भूल नहीं रहे और ना ही मुझे भूलने देते हैं कई बार तो ऐसा होता है कि राह चलते मुझे लगता है कि मैं पता नहीं कौन हूं जो जा रहा हूं और पीछे से कोई भी बच्चा यहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं कोई भी बच्चा पीछे से आकर के ओ रसेष ओ रसेश अरे मामा एक बार मामा बोल देना मामा मामा बहुत होता है और हर वक्त होता है कहीं भी होता है किसी भी परिस्थिति में होता है मतलब मैं अपने दादाजी की पुण्य तिथि में भी जा रहा हूँ तो मामा बोलते हुए जा रहा हूँ बट <laughs> ये एक आइकॉनिक कैरेक्टर बना ये तब नहीं मालूम था जब सारा भाई वसे सारा भाई सीरियल ऑन एयर हुआ था बिकॉज दिस वॉज सपोज टू बी अ फ्लॉप सीरियल इसकी कोई टीआरपी नहीं थी लोग इसे जानते नहीं थे और अचानक दो साल के बाद सडनली सारा भाई वसे सारा भाई बिकेम वॉट यू ऑल नो टूडे बट वॉट अबाउट दिस कैरेक्टर रोसेश सारा भाई आप जाना चाहेंगे कि ये आखिर ये जन्म में इसका कैसे हुआ विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इनफैक्ट जब ब्रीफ किया गया मुझे तो बहुत ही ब्रीफ में ब्रीफ किया गया था मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि ये ऐसा कैरेक्टर है जो मामाज बॉय है ही इज नॉट पैंजी एज सच एटीट्यूड जैसे तुम देखते हो वैसे ही है uh, लेकिन आवाज इसकी थोड़ी सी अजीब सी है विच वी स्टिल हैव टू फाइनलाइज कि क्या आवाज़ हो सकती है डू एन ऑडिशन तो मैंने कहा कि पंद्रह दिन लगेंगे तो बिना सोचे हुए मैंने पंद्रह दिन बोला था और बिना सोचे हुए ही सामने जो राइटर थे उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैंने कहा यार ये तो प्रेशर बन गया तो ऑडिशन भी लेंगे इसका अच्छा तो पंद्रह दिन मैं करूं क्या पंद्रह दिन बोल तो दिया अच्छा मैं वैसा एक्टर हूँ जो फॉर्मली ट्रेंड भी नहीं है जिसने कोई एक्टिंग की क्लास नहीं की थी एक्टिंग uh, करते करते ही एक्टिंग सीखा था तो एक शब्द मेरे कान में हमेशा मुंबई में घूमता रहता था तो मेरे यहां चलता रहता था मेथड 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 एक्टिंग 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 नाम की एक चीज होती है यू शुड डू और मैं अकेला एक्टर था जिसके सारे मेथड रॉन्ग होते थे इनफैक्ट कई बार ऐसा होता था कि मैं अपने आप को सीजन एक्टर बुलाता था फिर मैं रियलाइज करता था कि तो गर्मी में काम करता हूं मैं <laughs> मैंने सारे मेथड्स अप्लाई किए उन पंद्रह दिनों में साउथ मुंबई के हर फाइव स्टार होटल में गया बिकॉज मुझे लगा कि ऐसे लोग वहीं मिलते होंगे आज पता चल रहा है कि हर घर में है तो मैं गया दो लाख रुपए खर्च हो गए कैरेक्टर नहीं मिला पंद्रह दिन तक तलाश करता रहा फिर वो घड़ी आई जब ऑडिशन देना था ऑडिशन के लिए जब मैं पहुंचा तो मुझे लगा कि मेरे जैसे ही दस बारह और होंगे जो ऑडिशन दे रहे होंगे बट इतफाकन मैं अकेला था मैं और डर गया और प्रेशर बढ़ गया मैंने कहा या तो इन्होंने मान लिया है कि ये कैरेक्टर रहेगा या नहीं रहेगा या ये करेगा नहीं करेगा इनके मन की सोच से मैं काफी घबरा गया तो सिर्फ एक डायरेक्टर थे असिस्टेंट कैमरा और मैं दोपहर के दो बजे से लेकर के रात के दस बज गए और आठ घंटे तक सिर्फ मैंने रोसेश की ही एक्टिंग की कभी आवाज मिले तो एटीट्यूड नहीं कभी एटीट्यूड मिले तो आवाज नहीं और आवाज मिल भी जाए तो रोसेज जैसी नहीं इस इसी में चलता रहा और शूटिंग का डेट बहुत पास आ गया था इनफैक्ट तीन चार दिन पहले तक प्रेशर इतना बढ़ गया था इतना बढ़ गया था कि फाइनली सुबह जब मैं प्रेशर रिलीज करने गया तो उस जगह पे जा करके शायद उस प्रेश मतलब जितना प्रेशर कुक हो गया था ना उसके बाद जो रोसेज रिलीज हुआ क्योंकि बाथरूम में कमोड पे बैठ करके दीवार जो मुझसे डेढ़ फीट की दूरी पे थी वहां पे मुझे जाके रोसेश की आवाज़ मिली क्योंकि उस दीवार में लोगों को अक्सर पता है कि दीवारों के कान होते हैं लेकिन मेरी दीवार ऐसी थी कि जिसकी जबान थी और मैं आवाज़ सुन सकता था बिकॉज वो जो एको होके आता था उससे मुझे मिला रोसेश तो आई सैट डाउन देयर एंड आई जस्ट स्टार्टेड स्पीकिंग लाइक रोसेश ट्राइड कि क्या आवाज़ हो सकती है सो आई स्टार्टेड हेलो 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 एंड सडनली आई वाज हेलो 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 वेंट ऑन फॉर हाफ एन आवर एंड देन फॉर नेक्स्ट थ्री डेज बिलीव मी द ओनली थिंग आई वाज डूइंग कि मैं हर किसी से सिर्फ और सिर्फ रोसेश की आवाज़ में बात कर रहा था आपने ये यहाँ पे कटका क्यों नहीं किया है ये खाना क्यों नहीं बनाया अभी तक वॉचमैन आपने गाड़ी क्यों नहीं साफ की है उस मुझे ये ना एक पैकेट आप दूध भेज दो एंड एवरीवन सडनली थॉट दैट सम समवन एल्स हैज शिफ्टेड एंड कंटीन्यूअसली मतलब और नहीं नहीं शादी हुई थी तो वाइफ और परेशान हो गई थी बिकॉज़ शी वाज मोस्ट एंबैरेस्ड एट दैट टाइम ये ऐसा कौन सा कैरेक्टर है कि ये लड़का पागल होकर के हर किसी से उसी आवाज में बात कर रहा है बहरहाल रोशेष फाइनली मिला और आज जो रोशेष है वो बिकॉज़ ऑफ दैट Uh, उस मेहनत की वजह से वो एक ऐसा कैरेक्टर बना था कि मुझे तब नहीं पता था कि आज 16 साल के बाद भी मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ बहुत सारे किरदार किए <laughs> मैं ये इसलिए कह रहा हूं रोसेश की कहानी आप लोगों को इसलिए बताई बिकॉज एक रोसेश ही ऐसा किरदार है जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है क्योंकि ये मुझे समझ में आया कि जिंदगी परिस्थिति आप पे जो फेंकती है ना वो आप तय नहीं कर सकते हैं लेकिन उस परिस्थिति में आप कैसे रहते हैं ये आप तय कर सकते हैं एवरी मैन एवरी ह्यूमन बींग सो मेनी डिफरेंट रोल्स टू प्ले नॉट ओनली एज एन एक्टर बट आप रोजमर्रा की जिंदगी में ही देखिएगा कि हर कोई एक ना एक किरदार निभा रहा होता है कभी पापा अपने बच्चे के लिए पापा बनता है कभी बच्चा अपने पापा के लिए बच्चा बनता है कभी आप अपनी पत्नी के लिए वो जो चाहती है बनते हैं ऐसे कई किरदार होते हैं जो आप जी रहे होते हैं तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो ये बात है ना कि लाइफ इज अ प्ले जिंदगी एक खेल है लिटरली इसको खेलिए बी अवेयर अबाउट एवरीथिंग यू डू बट येट यू शुड बी अनटस्ट जैसे आज मेरे अंदर रोसेस है लेकिन मैं रोसेस नहीं हूं कई बार तालियों का मतलब यह भी होता है कि चलो 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 हो गया हो गया बट नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम इनफैक्ट मैं लास्ट बात यही कहूंगा कि टेडेक्स चंडीगढ़ का जो थीम है फ्यूचर री इमेजिन ये एक्चुअली सत्य है क्योंकि फ्यूचर को आप सिर्फ इमेजिन और री इमेजिन कर सकते हैं बट काम आपको आज करना पड़ेगा इसके लिए तालियत यार। लास्ट लाइन यही है कि आप अपने चरित्र निर्माण की चिंता करें भविष्य आपका तय है थैंक यू या मामा हां मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया आधे तो सो रहे थे पीछे जो अंधेरे में है ना हाँ मैंने फोटो निकाल ली है अभी आता हूँ उधर पीछे बाय थैंक यू थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच